दुल्हन का नाम सीखी हो दुकान को नाम हो यहाँ पे खाया जा रहा है क्यों मकई बटमास बोलते तो हम सुगर कैन लेने आए हैं ढेर इसी बना सब मिक्स ये जो आपको दिखाई दे रहा ये लिस्ट है में ये है सरसों का फूल फुला रहेसा तो हम आए हैं भौजू भाभी की दुकान जो कि नया नया खुला है नेपाल में पसल बोलते हैं दुकान को तो कॉस्मेटिक प्लस जो कपड़े भी रखा हुआ है जो कि मटेरियल बहुत बहुत अच्छा है सो ये पड़ता है चोरमारा में यो कसको पसल हो कसको दुकान हो भन्ने छिटो तिम्रो होइन तिम्रो होइन कसको मम्मी हो र दोकानको नाम चाहिँ के हो कोपिला थापा कोपिला छोराले मल दोकानको नाम हो कोपिला थापा हेरौँ एन्ड कस्मेटिक होला दोकान अझै भन हजुरले भन न अन्त नेपाल गएर अझै यहाँ अझै मेरो ब्लग हेऱ्यो नि आउँछ हो त भन फेरि पढ्यौ त तिमीले याद भयो होला के हो मकै भटमास बोल्दै हमारे जो पहाड़ है वहाँ पे यहाँ तो कति बजे 7 बजे तीर उजालो भाई है मकई अब बिग्रे घरम तो बिगाड़ने होइन यो सबै भएको हो नि त ट्राई इट सो हम सुगर केन लेने आए है यहाँ छ त यी भाँचेको रहेछ साग मुनि कत्रो छोरा त आसिमा दिले देख्छ नि माटो माटो भयो चिप्लो नि त हम खाने वाले हैं सुगर कैन कसरी लो त भन्यो नि कसरी खाने यसलाई कसरी खाने तासेर नि
हामी जान्दैन हो अनि त धुनु पर्यो होला नि त दाँतले चिल्दैछौ दाँतले त अन्त चिल्यो होइन कस्तो मिठो रहेछ गुलियो रहेछ दामी मम्मी नहुनुहुँदैछ हाम्रो बाबा फेरि कहाँबाट छतबाट बोल्नु हुँदो रहेछ लु म खान्छु अब देऊ लौ न तास कसरी तास्नु त यहाँ बिचमा यस्तो आएको छ नि त काट्ने बुद्धि नगर तास दिइसक्थ्यो अहिले त्यसरी पनि खान्छौँ होइन यो बिचको चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ नि हुँदैन माथिको खाइहाल्छ हामी त त्यसरी खान्छौँ बिचको होस् कि साइडको होस् बङ काट्दैछ त्यसरी होइन मान्छे यत्रै छ चक्कु पनि भन्दैछु त अन्त राम्रो चपाएको पनि देखाउँदैछु छ्या ढेँडो चाहिँ यसरी बनाउँछ सबै मिक्स हजुर उसले उसको बाजेले पनि पुरा मन पराउँछ ढेँडो बाजे पनि पार्कै हो नि त भयो अनि धामी पनि हुनुहुन्छ उहाँले पहिले हामी सानो हुँदाखेरि दिउँसो खालि ढेँडै बनाउनु हुने ढेँडो अनि गौँटाको सुप पाउँछ खोलामा खोलामा जङ्गल जानुहुन्थ्यो जङ्गल गएर दाउराहरू काटेर खोलाबाट ल्याउनुहुन्थ्यो हामी पनि जान्थ्यौँ सानोमा तो अभी हम जा रहे लक्ष्मी दी और सीता दी से मिलने लक्ष्मी दी के घर वहीं पे सीता दी भी मिल जाएंगे उनका शादी हो चुका है बच्चे भी हैं तो रेडी है पास में ही है तो हम सब निकल रहे हैं बड़ी मम्मी के साथ बहुत धूप है तो हम जा रहे हैं दीदी के ससुराल ये खेत के बीच में घर हम ले रहा
धूप। हमें लगा था बहुत ठंडा है, बहुत बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए हम इतने कपड़े लेके आए ठंडी के कपड़े, बट इतना नहीं है। अभी भी मैंने जैकेट पहना है, गर्मी लग रही है। तो पहुंच रहे हैं, पहुंच गए पराल बोलते हैं इसको। अब जान जान तो सकते हैं यहां तक तर कुचो की भन्छ उ त्यो हिन्दी देखि फुल झाडु भन्छ ओ फुल झाडु इससे बनता है फुल झाडु येरा येरा बनाना ट्री और मैं दिखाती सरसों का साग भन्छ हैन सरसों की फूल, सरसों के साग से तो टेंशन नहीं होता। ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो स्ट्राइप में, ये है सरसों का फूल। ये इसका तेल भी नहीं बनिन्छ? इसके तो तेल बन, ओ इसका तेल बनिन्छ सरसों का तेल बन। ए ये सरसों की तेल आती है ना। ये ससुर जी पस के हम घर हाम्रो बडीले बडीले हेर्नुहुन्छ नि हाम्रो दिदी नमस्ते लक्ष्मी दिदी घर घर के पास में ही ये सारा खेत जो है दीदी के घर के दीदी के ससुर जी के। ये आलू, ये तोरी के फूल, अभी ये है पता नहीं क्या है, साग भी है। साग दिखाऊंगी आपको, यहाँ भी है छोटा सा साग। ये रहा राई साग बोलते हैं हम। मूला रईसा नहीं, मूली है, मूला। मु तो राई साग भनिरहेको हौ, मूला पो रहेछ। त्यही त राई साग जता पाए नि त्यही साग भन्छु नि। तो मेरे दो एक दो व्लॉग ऐसे ही आएंगे, ये सभी दिखाऊंगी मैं ऑब्वियसली की। और नेक्स्ट जब व्लॉग आएगा बुटवल का, तो वो थोड़ा सिटी टाइप है, तो उसमें ये शायद से मैं नहीं दिखा पाऊँ। सिटी नहीं हो, सिटी ही है बुटवल। और यहाँ पे ज़्यादातर खेती करते हैं लोग, तो यही मैं दिखा पा रही हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें। इतना प्यारा लग रहा है, आई डोंट नो कि कैमरा में कैसे लग रहा है, बट रियल में जब मैं देख पा रही हूँ इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा है। ओह माय गॉड, इसका तेल, तोरी का तेल जो होता है इसका ही बनता है। बैक कैमरा से दिखा, नेपाली बोलते पाड़ा पता नहीं ऐसे कुछ। इसका घर चलते हैं, वापस जा रहे हैं, तो अंधेरा हो चुका है, इतना प्यारा दिख रहा है। सो लेट्स गो। यहाँ पे पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, मेरा भाई जो कि फोटो खींच रहा है क्योंकि बहुत प्यारा दिख रहा है। हजुर हजुर,
हम घर पहुंच गए और हम बना रहे मोमो। लास्ट एन्चोर मारा। तिमला भोक लाग्यो रे? अब ए के हैन रे क्यामेरा देखेर लु भन भोक लाग्यो लाइक लागेन अब चाहिँ क्यामेरा देखेर नभन्ने।